हेलो एवरीवन, मैं गुंजन ड्यूका की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लाइव प्रोसेस का पार्ट थ्री। ठीक है, तो पार्ट थ्री के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, आज हम रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। मेनली फोकस ऑन द ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन आपको पता है क्या होता है? रेस्पिरेशन इज द ग्लूकोज से एनर्जी को गेट करना। ग्लूकोज से एनर्जी को गेट करने क्या होता है? रेस्पिरेशन। ठीक है, ग्लूकोज से हम एनर्जी को गेट कर रहे हैं तो दैट इट इज अ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एनर्जी हम किस फॉर्म में गेट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इजन इट? है ना, तो ग्लूकोज से एनर्जी को गेट करने क्या होता है? रेस्पिरेशन। और हमारी बॉडी के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ग्लूकोज से जो एनर्जी मिलेगी वो किसके प्रेजेंस में मिलेगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मिलेगी। ऑक्सीजन की वजह से ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा इन द एनर्जी एटीपी, है ना। और ह्यूमन बॉडी के अंदर एटीपी कितना रिलीज होता है हमें बताएं? 34 से लेके 36 एटीपी रिलीज होती है हम ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अब देखो, हमें अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करना है कि हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके थ्रू ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होती है। ठीक है, तो देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब देखो यहीं पर मैं आपको पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी डायग्राम जो है वो हम बना के देखते हैं। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ठीक है, अब देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम देखें तो ठीक है, ये विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप जो है वो डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट्स के अंदर और फिर देन फर्दर सब डिवाइड हो जाती है। ठीक है, पहले विंड पाइप आई, विंड पाइप दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, फिर देन ये और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इट विल डिवाइड इनटू द फर्दर स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, ऐसे ही दोनों साइड हो रहा होता है। इट इज फर्दर डिवाइड इनटू द स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, हर एक स्मॉल पार्ट के एंड में कौन होता है? वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हर एक एंड में कौन होते हैं? बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये जो स्मॉल स्मॉल ट्यूब्यूल्स का ये जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके अंदर स्कैटर हुआ होता है? लंग्स के अंदर। इट इज स्कैटर इन द लंग्स, लंग्स के अंदर ये स्कैटर हो रखा होता है। ठीक है, तो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। और ये जो हमारा लंग्स होते हैं, लंग्स एक मस्कुलर स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम, जो डोम शेप्ड होता है, डी शेप्ड होता है डायफ्राम। ठीक है, तो बेसिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। अब देखो अगर हम इनको लेबल करें तो सबसे पहले तो हमें पता है ये जो आ गई, दिस इज अ विंड पाइप, इसको बोलते हैं विंड पाइप, या फिर आप क्या बोलोगे? ट्रैकिया। दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, विंड पाइप या फिर ट्रैकिया। ठीक है, ये जो विंड पाइप है, ये जो ट्रैकिया है, इसके ऊपर कौन होते हैं? सी शेप्ड, सी शेप्ड बोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या बोला जाता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ऐसे सी शेप्ड बोन होती है इसके ऊपर, और सी शेप्ड बोन को हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, जो कैसी बोन है? दिस इज अ सी शेप्ड बोन, सी शेप्ड बोन है। और इस सी शेप्ड बोन के वजह से, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के वजह से क्या होता है? जो हमारी ये विंड पाइप होती है वो कलैप्स नहीं होती है, बंद नहीं होती है। ठीक है, ताकि एयर का जो पैसेज है वो आराम से एयर अंदर आ सके और आराम से एयर बाहर जा सके। ठीक है, फिर ये जो विंड पाइप होती है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, वो हमें दिख रहा है ना। विंड पाइप जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई। हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ ब्रोंकाई। इन दोनों को आप बोलोगे ब्रोंकाई, एक को बोलते हैं ब्रोंकस। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है वो किस विंड पाइप जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ठीक है, फिर ये जो ब्रोंकाई होती है वो फर्दर छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो गई। ब्रोंकाई इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द वेरी स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स। इन स्मॉल स्मॉल ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ये पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्यूब्यूलर पार्ट हो गया, कंडक्टिंग पार्ट हो गया, जिसके थ्रू गैस आती है और जाती है। ठीक है, अब लास्ट में ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट में जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। एक को बोलोगे एल्वियोलस और इन सबको बोला जाएगा एल्वियोलाई।
ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो केसर स्ट्रक्चर है ये बॉल की तरह है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है ये, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा ये जो टिब्यूला पार्ट है ये किसके अंदर स्कैटर हो रखा है, पूरा का पूरा टिब्यूला पार्ट स्कैटर होता है इन द लंग्स, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स आ गए इनको हम क्या बोलते हैं, लंग्स, लंग्स, ठीक है। जो राइट लंग होता है वो आपका बड़ा होता है और जो लेफ्ट लंग होता है वो छोटा होता है। लेफ्ट लंग के अंदर सिर्फ दो लोब्यूल्स होते हैं, सिर्फ दो पार्ट्स आते हैं, जबकि जो राइट लंग होता है उसमें तीन पार्ट्स आते हैं। तो राइट लंग इज बिगर देन द लेफ्ट लंग, ठीक है। अब ये जो दोनों के दोनों लंग्स होते हैं ये डोम शेप स्ट्रक्चर के ऊपर है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। क्या बोला जाता है इसे, डायफ्राम। और डायफ्राम के अंदर वो जी साइलेंट है, ठीक है। तो ये बेसिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया जो कहां से शुरू हुआ है, और स्टार्टिंग में ये जो हमारी सबसे पहले शुरुआत होती है नॉस्ट्रिल से, नोज के अंदर ये जो ओपनिंग्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। और नॉस्ट्रिल्स के अंदर ये जो नोज का पैसेज आता है उसको क्या बोलते हैं, नेसल पैसेज, नेसल पैसेज। और नेसल पैसेज के बाद हमारा ये फेरिंग्स आ जाएगा, नेसल पैसेज के बाद आ जाएगा फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद आ जाएगा विंड पाइप और द ट्रेकिया। फिर विंड पाइप और ट्रेकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जिसको आप क्या बोलोगे, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर छोटे छोटे ट्यूब से डिवाइड हो गया ब्रोंकियोल, और हर एक ब्रोंकियोल के एंड में बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है। और अभी मैं आपको बता देती हूँ इस एल्वियोलाई पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में आती है, ठीक है। तो एल्वियोलाई पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस अंदर और बाहर होती है यहीं पर ही, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर वो स्कैटर होता है इन द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज अ लंग्स। राइट लंग बड़ा होता है, लेफ्ट लंग छोटा होता है, और ये दोनों के दोनों किससे प्रेजेंट होते हैं, ऑन द डोम शेप स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज अ डायफ्राम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बेसिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। अब देखो इनके थोड़े से पॉइंट्स को अगर हम कंसिडर करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, अभी मैंने बताया वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू हो रहा था, नॉस्ट्रिल से शुरू हो रहा था और एंड हो रहा था वो एल्वियोलाई पर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर पर, है ना। और वो किस पे प्लेस है, डायफ्राम के ऊपर प्लेस, किस पे था, डायफ्राम के ऊपर। वो नॉस्ट्रिल से शुरू हुआ और एंड हो रहा है एल्वियोलाई पर, और किस पे प्लेस है, डायफ्राम पर, ठीक है। और क्या है, और ये जो हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो किस में होता है, वो रिब्स में होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम किस में होता है, रिब्स में होता है। रिब्स क्या है, दे आर द बोनी स्ट्रक्चर। तो 12 रिब्स होती है जो पूरे एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर्ड करती है ना। तो ये हमारा ये लंग्स आ गए, राइट लंग और लेफ्ट लंग आ गए, और ये जो लंग्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, रिब्स के अंदर होते हैं। और टोटल रिब्स कितनी होती है हमारी, ये 12 रिब्स होती है, जिसके वजह से हमारा जो लंग्स है, जो हार्ट है, इन रिब्स के वजह से प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। अब ये जो रिब्स होती है वो पीछे की तरफ तो किससे कनेक्ट होती है, वर्टिब्रल कॉलम से, यानी कि बैकबोन से, रीढ़ की हड्डी से। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है वो पीछे से किससे जुड़ी होती है, बैकबोन से, वर्टिब्रल कॉलम से। और आगे किससे कनेक्ट होती है, स्टर्नम से। आगे किससे कनेक्ट होती है, स्टर्नम से। और स्टर्नम जो है वो आपकी एक ट्रायंगुलर बोन है, स्टर्नम जो है वो क्या है, एक ट्रायंगुलर बोन है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो रिब केज के अंदर होता है, ठीक है। तो ये की पॉइंट आपको याद रखना है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किसके अंदर होता है, इनसाइड द रिब केज, रिब केज के अंदर होता है, ठीक है। और रिब केज में होने की वजह से हमारा ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कैसा रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, सेफ रहता है। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब देखो, अब हमारा ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसमें जो हमारा नोज है, नोज के थ्रू क्या होगा, गैस अंदर आएगी। और नेसल पैसेज के अंदर कौन होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं। नेसल पैसेज के अंदर कौन होते हैं, फाइन हेयर्स, छोटे छोटे धागे होते हैं। और ये फाइन हेयर्स क्या करते हैं, गैस को क्लीन करते हैं, गैस को फिल्टर करते हैं, है ना। कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल वगैरह अगर आ गए या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो हमारी बॉडी के लिए, उसको कौन फिल्टर करता है, फाइन हेयर्स फिल्टर कर देते हैं, डस्ट को हटा देते हैं। और नॉस्ट्रिल्स के अंदर और कौन होता है, म्यूकस भी होता है। नॉस्ट्रिल्स के अंदर, नेसल पैसेज के अंदर और कौन होता है, म्यूकस भी होता है। तो जर्म्स को ट्रैप कर लेता है, जर्म्स को पकड़ लेता है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर कैसी गैस जाए, क्लीन गैस जाए, डस्ट पार्टिकल, जम्स वगैरह बॉडी के अंदर, विंड पाइप के अंदर एंटर ना करें।
ठीक है। अब देखो फिर जैसे ही एयर नेसल पैसेज से किसमें जाती है, लैरिंग्स के अंदर, किसमें जाती है, लैरिंग्स के अंदर यानी कि वॉइस बॉक्स के अंदर, फिर लैरिंग्स से होती हुई वो किसमें जाएगी, इनटू द विंड पाइप और द ट्रैकिया, ठीक है। तो फ्रॉम द लैरिंग्स एयर इज एंटर इनटू द विंड पाइप और द ट्रैकिया। और अभी मैंने बताया ये जो हमारा कौन था, विंड पाइप जो था, तो विंड पाइप के ऊपर कौन आ रही है, सी शेप्ड बोन आती है विच इज द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, है ना। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के वजह से क्या होता है, ये जो हमारा विंड पाइप होता है वो कलैप्स नहीं होता है, बंद नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, इसके वजह से जो हमारा विंड पाइप है वो कोलैप्स नहीं करेगा। अब ये जो ट्रैकिया था, ये जो विंड पाइप था, वो कितने पार्ट से डिवाइड हो गया था, इट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, दो ट्यूब में डिवाइड हो गया था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, ब्रोंकाय, है ना। और एक को क्या बोलोगे आप, ब्रोंकस, एक को क्या बोला जाएगा, ब्रोंकस, ठीक है। फिर ये जो ब्रोंकस है, जो ब्रोंका है, फर्दर छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो गया था, फर्दर डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर ट्यूब्स, और इन स्मॉलर ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स, क्या बोल रहे थे, ब्रोंकियोल, जो पूरे के पूरे लंग्स के अंदर स्कैटर हो रखी होती है, फैल रखी होती है, ठीक है। अब देखो ब्रोंकियोल के एंड में कौन आता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं, ब्रोंकियोल्स के एंड में कौन आते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। और ये पेपर में जरूर आता ही है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है, जो कैसे थे, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है। तो एल्वियोलाई, ये जो ब्रोंकियोल है, ब्रोंकियोल के एंड में ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स आ गए, ये कौन है हमारे, एल्वियोलाई, है ना। और अभी मैंने आपको बताया था एल्वियोलाई पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस ब्लड में आती है और ब्लड से जाती है, ठीक है। अब देखो वो फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है, सबसे पहले हमें पता है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, बैलून की तरह होता है, जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए, है ना, ताकि गैस जो है वो ब्लड के अंदर जा सके और ब्लड से एल्वियोलाई में आ सके, तो ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। और ये जो एल्वियोलाई है वो कैसे है, ऐसी ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है और किससे लाइंड होता है, इट इज लाइंड विद द ब्लड कैपिलरी, जो एल्वियोलाई है वो किससे कनेक्ट होता है, ब्लड कैपिलरी से कनेक्ट होता है। और कैपिलरी जो है वो आपकी सबसे पतली ब्लड वेसल है, सबसे थिननेस्ट ब्लड वेसल है ना। और ये ऊपर वाला कौन है, एल्वियोलाई, एल्वियोलस, एक को बोलोगे एल्वियोलस, ठीक है। तो एल्वियोलस पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, कौन सी गैस एक्सचेंज होती है, जो हमारी कौन सी गैस है, वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से एल्वियोलस में जाती है, ठीक है। तो एल्वियोलस में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना होता है, बिकॉज इट इज लाइंड विद द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो गैसेस का एक्सचेंज होता है और क्या होता है, अब जैसे ही हमारा ये जो ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर जाएगा, तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकती है, ऑक्सीजन कांट डिजोल्व इन द ब्लड, है ना। तो ऑक्सीजन का ब्लड में नहीं घुल सकती है, तो ऑक्सीजन को कोई कैरी करने वाला होना चाहिए, कोई पकड़ने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, ऑक्सीजन इज कैरी बाय द हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को कौन कैरी कर लेता है, हीमोग्लोबिन कैरी कर लेता है। और ये हीमोग्लोबिन आपका किसके अंदर होता है, हीमोग्लोबिन इज इन द आरबीसी, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एक जगह से दूसरे जगह पर जा रही है ना। अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो डिजोल्व हो जाती है, जो CO2 है इट कैन डिजोल्व, इट कैन डिजोल्व इन वॉटर, इट कैन डिजोल्व इन द ब्लड, वो ब्लड के अंदर डिजोल्व हो सकती है, वो डिजोल्व फॉर्म में ही ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, बट ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं हो सकती है, इसलिए ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और अभी एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, चार ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, ईच हीमोग्लोबिन कैन कैरी अप्रोक्सीमेटली 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना। और ऑक्सीजन की वजह से हमें पता ही है, ये हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूट के क्या बना रहा था, एनर्जी बना रहा था, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज टूटेगा किसके वजह से, ऑक्सीजन की वजह से टूटेगा, और जिससे बनेगी क्या, एनर्जी बनेगी हमारी बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, ग्लूकोज टूटेगा नहीं, तो बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एटीपी नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी के लिए फूड और एयर दोनों जरूरी है एनर्जी को गेट करने के लिए, ठीक है।
और एक की पॉइंट आपको याद रखना है कि हमारे ये जो लंग्स होते हैं उसके अंदर हमेशा थोड़ा बहुत रेसिडुअल वॉल्यूम रह जाता है ना। हमने गैस को लिया, ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, ऐसा नहीं होता कि सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, थोड़ी बहुत लंग्स में रही जाती है। ठीक है, ऐसी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन लंग्स में रही जाती है ना। तो लंग्स में हमेशा रेसिडुअल वॉल्यूम होता है गैस का, कभी भी पूरा का पूरा लंग्स कभी खाली नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है पेपर में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई, तो आप बताओगे भाई एल्वियोलाई जो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इट प्रोवाइड द सर्फेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन जाती है ब्लड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है ब्लड से ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन, बिकॉज इट कांट डिजोल्व इन द वॉटर, बट कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिजोल्व इन द वॉटर। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एल्व्यूलाई। अब देखो कुछ बेसिक स्टेप हमारे को पता ही है, रेस्पिरेशन में होता है कि हम गैसेस को लेते हैं और गैसेस को छोड़ते भी हैं, है ना। तो गैसेस को लेना ही क्या होता है, इनहेलेशन। ऑक्सीजन को बॉडी में लेना ही क्या होता है, इनहेलेशन। ठीक है, अब इनहेलेशन के टाइम पर होता क्या है, व्हाट हैपन ड्यूरिंग द इनहेलेशन, वो इनहेलेशन के टाइम पर हमें पता है कि हमें गैस को लेना है, और गैस को लेने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, इनहेलेशन क्या होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन को लेना, और ऑक्सीजन को लेने के लिए हम खुद से क्या करते हैं, अपने लंग्स को वाइडर करते हैं, है ना। लंग्स को क्या करते हैं, वाइडर करते हैं, लंग्स को बड़ा करते हैं। ठीक है, और साथ में जो हमारा डायफ्राम होता है वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो जो लंग्स है और ये जो डायफ्राम है, जब हम इनहेलेशन कर रहे होंगे, गैस को अंदर ले रहे होंगे, इस टाइम पे हमारा क्या होता है, लंग्स वाइडर हो जाते हैं, लंग्स बड़े हो जाते हैं, और जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है, डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, ऐसा करने की वजह से क्या होता है, जो लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है लंग्स के अंदर वो बढ़ जाता है, वॉल्यूम इज गेट इंक्रीज, है ना। हमने अगर गैस को लेना है तो लंग्स क्या हो जाते हैं, वाइडर हो जाते हैं, और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, ताकि लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाए। ठीक है, और वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से अंदर प्रेशर क्या हो जाता है, कुछ बताओ, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और हमें पता है हर चीज कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बाहर ज्यादा प्रेशर और लंग्स के अंदर कम प्रेशर हो गया, तो गैस जो होती है वो फिर वो बाहर से कहाँ आ जाती है, लंग्स के अंदर यानी कि हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। तो दिस इज डन ड्यूरिंग द इनहेलेशन, है ना। तो इनहेलेशन के टाइम पर क्या होता है, लंग्स वाइडर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, जिसके वजह से अंदर का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने की वजह से गैसेस जो होती है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है। क्लियर फ्रेंड्स की। ठीक है, और अभी और इनहेलेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर हमने लंबी गहरी सांस ली तो हमें एनर्जी चाहिए होता है इनहेलेशन के लिए, तो इनहेलेशन के लिए क्या होता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और इसी का उल्टा कौन सा प्रोसेस है आपका, एक्सहेलेशन, है ना। एक्सहेलेशन क्या होता है, गैस को रिलीज करना बॉडी से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकालने क्या होता है, एक्सहेलेशन। ठीक है, तो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने क्या होता है, एक्सहेलेशन। अब निकालने के लिए बिल्कुल उसका उल्टा प्रोसेस होता है, जो हमारे लंग्स जो वाइडर हो रखे थे, जो बड़े हो रखे थे लंग्स, और जो डायफ्राम जो फ्लैट हो रखा था, वो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, लंग्स क्या हो जाते हैं, एक्सहेलेशन के टाइम पे रिलैक्स हो जाते हैं, यानी कि वो नॉर्मल स्टेट में चले जाते हैं, नॉर्मल स्टेट में चले जाते हैं, और डायफ्राम भी क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, नॉर्मल स्टेट में चला जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है, लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लंग्स के अंदर फिर जगह कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होने की वजह से अंदर क्या हो जाता है, प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, प्रेशर इज गेट इंक्रीज, और प्रेशर के बढ़ने की वजह से गैस इज मूव आउट ऑफ द लंग्स, है ना। प्रेशर के बढ़ने की वजह से भी गैस जो है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मूव आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें होती है ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स बड़े हो जाते हैं, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है, और गैस मूव करती है बाहर से अंदर की ओर। ठीक है, और एक्सहेलेशन में क्या होता है, लंग्स रिलैक्स हो जाते हैं, डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, फिर गैस जो होती है वो लंग्स से बाहर चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मूव आउट ऑफ द
बॉडी, ठीक है। तो ये हम जब भी हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो ड्यूरिंग एवरी वर्क हमारा इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो रहा होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो आगे का हम देखें। अब देखो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने, सम पॉइंट्स टू रिमेम्बर। देखो सबसे पहला तो क्या है, ये भी वो तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है यानी कि सांस लेने की जो स्पीड है वो अक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की ज्यादा होती है कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल, है ना। तो जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते होंगे जैसे फिशेज हो गई, टर्टल हो गए, तो जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं वो तेजी से सांस लेते हैं, उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग फास्टर होता है कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। और टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं, जो हम जमीन पर रहते हैं, है ना। हमारा हम सांस ले रहे हैं नजर भी नहीं आ रहा है, ठीक है। बट जो पानी के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तेजी से सांस लेते हैं, उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्यों रेट ऑफ ब्रीथिंग उनका ज्यादा होता है, क्योंकि वो डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं, बिकॉज दे टेक द डिजोल्व ऑक्सीजन। वो पानी के अंदर घुली हुई हवा ऑक्सीजन ले रहे हैं, और डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होती है, लेस होती है अमाउंट में, है ना, इट इज लेस इन अमाउंट, ठीक है। डिजोल्व ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है, वो कम होती है, ठीक है। डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होती है, लेस होती है, कम होती है कंपेयर टू द एयर इन द एटमोसफेयर, ठीक है। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं, पानी के अंदर घुली हुई हवा लेते हैं, जिसके वजह से उसका अमाउंट क्या होता है, कम होता है। और अमाउंट कम होने की वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म वो तेजी से सांस लेते हैं ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ सके, ठीक है। सो दैट द मोर ऑक्सीजन कैन एंटर इन टू द बॉडी, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा सके, ठीक है। अब जैसे मैं अगर फिशेज की बात करूँ, फिशेज जो है वो आपको पता ही है एक अक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत तेजी से सांस लेती है, उनका सांस लेने का जो प्रोसेस है वो नजर भी आ रहा होता है कि हाँ वो सांस ले रही है, ऑक्सीजन को लेना चाह रही है, ठीक है। तो क्या होता है, ये माउथ से पानी को लेती है, टेक्स द वाटर फ्रॉम द माउथ, माउथ से वो पानी लेंगे और उस पानी को फिर वो कहाँ भेज देती है, टू द गिल्स, ठीक है। माउथ से भी वो जो वाटर होता है वो कहाँ चला जाता है, गिल्स में चला जाता है ना। फिर गिल्स क्या करती है, ऑक्सीजन को, डिजोल्व ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेती है, डिजोल्व ऑक्सीजन को ले लेती है और सेंड कर देती है इन टू द ब्लड, ठीक है। उसको कहाँ भेज दिया जाता है, फिर ब्लड में भेज दिया जाता है ना। फिर ब्लड के अंदर अगर ऑक्सीजन चला जाएगा तो कैसा ब्लड हो जाएगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर ये हमारे हार्ट से पूरी इनकी बॉडी की सेल के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है बेसिक सा फिशेज के अंदर, है ना। तो फिशेज जो है वो माउथ से वाटर लेती है और फिर उस वाटर को कहाँ ट्रांसमिट कर दिया जाता है, गिल्स के पास, और गिल्स क्या करती है, उसमें से फिर डिजोल्व ऑक्सीजन को ट्रैप करती है, डिजोल्व ऑक्सीजन को लेती है, एंड देन डिजोल्व ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, इनटू द ब्लड चली जाती है, ठीक है। और सभी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का रेट ऑफ ब्रीथिंग कैसा होता है, काफी फास्ट होता है, वो काफी तेजी से सांस लेती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन के बॉडी के अंदर आ सके, है ना। हमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें ऑलरेडी ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, हम लैंड पर रहते हैं, हमें ऑलरेडी ऑक्सीजन का अमाउंट सफिशियंट मिल रहा है, तो हमें फास्ट रेस्पिरेशन करने की जरूरत नहीं है। पहले जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं, उसका अमाउंट कम होता है, दैट्स व्हाई वो फास्टर ब्रीदिंग करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन के बॉडी में जा सके, ठीक है। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, उनके लिए डिफ्यूजन प्रोसेस ही सफिशियंट होता है, गैस ज्यादा से कम की ओर मूव करेगी, उनके बॉडी के अंदर आ जाएगी, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बनाऊं अमीबा, अगर मैंने अमीबा को बनाया तो बाहर क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है और अंदर ऑक्सीजन क्या है, कम है, तो गैस जो है वो आराम से बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और गैस का मूव करना फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन ये क्या होता है, डिफ्यूजन, ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको गैस डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही मिल जाती है, ठीक है, उनके पास कोई सिस्टम वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, और हमें पता है जो ऑक्सीजन होता है उसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता, तो ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन कैरी करता है, और हर एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, दैट यू नो 4 ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन कैरी कर सकता है। और हमारी बॉडी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसमिशन हर एक सेल तक वो रुक जाएगा, ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी कि जिन भी ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, ब्रीदिंग रेट फास्टर होता है, जो ऑर्गेनिज्म तेजी से सांस लेते हैं उनका लाइफ स्पेन, ठीक है, उनका जो लाइफ स्पेन होता है, उनकी जो लाइफ होती है वो कम होती है क्योंकि उनको कम ऑक्सीजन मिल रही है ना। तो जिन जो ऑर्गेनिज्म तेजी से सांस लेते हैं उनका लाइफ स्पेन भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और
बेसिक एक चीज ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होगा, अगर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन को लंग्स से पैरों तक पहुंचाने के लिए अराउंड 3 ईयर्स लग जाएंगे। अगर हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन को लंग्स से पैरों तक पहुंचाने के लिए अराउंड 3 ईयर्स लग जाएंगे, विच इज वेरी लार्ज टाइम, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग रुक सकती है। तो हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है ऑक्सीजन को सब बॉडी से तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज हमें पता ही है, अगर हमें लंग्स को हेल्दी रखना है तो हमें क्या नहीं करनी है, स्मोकिंग वगैरह ये सब चीजें नहीं करनी है। तो उससे हमारे लंग्स हेल्दी रहेंगे, एल्वियोलस हेल्दी रहेगा, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन अच्छे से होगा। और ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन अगर अच्छे से हो रहा है तो हमें ग्लूकोज से अच्छे से एनर्जी मिल पाएगी और उसी एनर्जी से हम अपना अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका वो रेस्पिरेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, दैट यू आर कंप्लीटेड योर रेस्पिरेशन टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हम टॉपिक आपका ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।